जैसा कि आप जानते हैं, वैलेंटाइंस वीक चल रहा है एंड सबको कुछ ना कुछ अपने लव्ड वंस के लिए क्रिएटिव करने का मन करता है। तो हम आज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और आए हैं बहुत ही सुंदर सी ब्यूटीफुल सी हार्ट शेप कुकीज, जो बनाना बहुत ही इजी है और बना रहे हैं हम एयर फ्रायर में। वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल पिंच ऑफ एवरीथिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। Now let's start the recipe। सबसे पहले हम एक बाउल में हाफ कप मेल्टेड बटर डालेंगे और डालेंगे 1/4 कप पाउडर शुगर। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 1 कप व्हीट फ्लार या गेहूं का आटा, जो हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई ऑलवेज प्रेफर व्हीट फ्लार ओवर मैदा। आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब अपने हाथों की मदद से एक डो तैयार कर लेंगे, जो ज़्यादा ना सॉफ्ट हो ना ज़्यादा टाइट हो, और इस डो को करीबन 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है, तब तक हम एयर फ्रायर को प्री हीट कर लेते हैं 10 मिनट के लिए 165 डिग्री पर। करीबन 10 मिनट हो गए हैं, हमने डो जो है वो फ्रिज में से निकाल लिया है और अब इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। डो को हम एक बटर पेपर पे स्प्रेड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ हैंड और रोलिंग पिन, और एक हार्ट शेप कुकी कटर से हम इसे कट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा डो है वो हम साइड से निकाल लेंगे। वाओ, कितनी अच्छी शेप आई है, कितनी बढ़िया कुकीज़ तैयार हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बाकी की कुकीज़ भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। हमने एक डो लिया, नीचे और ऊपर बटर पेपर लगाया, और ऊपर कोई भी आप प्लेट या थाली से आप प्रेस करेंगे तो एकदम राउंड शेप निकल आएगी। फिर आप अपने हिसाब से कुकीज़ को कट कर लीजिए। आप कुकीज़ की कोई भी शेप ले सकते हैं, बड़ा हार्ट या छोटा हार्ट वो आपके ऊपर है, उसके हिसाब से बेकिंग भी आपकी चेंज हो जाएगी। अगर आप छोटी हार्ट लेंगे तो फिर आपको बेक कम करना पड़ेगा, और अगर आप इतना बड़ा ही लेंगे तो फिर आपको 10 मिनट के लिए बेक करना पड़ेगा। कुकीज़ हमारी सब रेडी हो गई हैं और बहुत ही प्यारी लग रही है। हार्ट ही शेप बहुत प्यारी लग रही है, बेक होने का तो बहुत अच्छा आएगा टेस्ट। और अब इसे हम एयर फ्रायर में डाल देंगे। और एयर फ्रायर को वापस से एयर फ्रायर में लगा देंगे। और अभी आप देख सकते हैं, हमने बीच में चेक किया था, वो पहले ही बन गई थी। तो करीबन 5 से 6 मिनट में हमारी कुकीज़ रेडी हो गई, और आप देख सकते हैं कितनी परफेक्टली बेक हुई हैं और बहुत ही सुंदर लग रही हैं। कुकीज़ को हमने अच्छे तरीके से ठंडा होने दिया है। उसके बाद हमने माइक्रोवेव किया है चॉकलेट को 30 सेकंड्स के लिए। आप कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट, डेरी मिल्क, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये हम कुकीज़ बनाई ऐसे नहीं हैं जो आपके पास घर पे आराम से चीज़ें अवेलेबल हों। एंड फाइनली अब हम इसमें ऐड करेंगे स्प्रिंकलर्स। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, बॉल्स हैं, स्प्रिंकलर्स हैं, या कोई भी चॉको चिप है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। हार्ट शेप भी आती है मार्केट में, अब इजीली अवेलेबल हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। और इससे जो कलर्स आ रहे थे ना, बहुत ही ब्यूटीफुल और वंडरफुल लग रही थी कुकीज़, बहुत प्रिटी लग रही थी। सबने बहुत तारीफ़ की कुकी की, और आई एम श्योर आप भी, आप इसे बनाएंगे ना तो आपके लव्ड वंस कहेंगे कि आपने कैसे बनाया। एंड आई होप आपको ये कुकीज़ बहुत पसंद आएगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी टैग कर सकते हैं पिंच ऑफ एवरीथिंग ऑफिशियल पे। एंड अब हम अपनी बाकी की कुकीज़ भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। नॉट ओनली ऑन वैलेंटाइंस डे आप अपने लव्ड वंस के लिए बना सकते हैं, बल्कि ये बच्चों को बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छी लगेंगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप टू सी यू सुपर सून।